हेलो दोस्तों, आज जो अजमान टी टेन का अजमान हीरोज़ वर्सेस प्राइम हाइट ट्रांसपोर्ट के बीच में जो टी टेन का मैच होने वाला है दोस्तों, इस मैच का रिव्यू हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको पिच रिपोर्ट क्या कुछ रहने वाली है वो भी आपको बताऊंगा, प्लेयर्स की रिसेंटली क्या कुछ परफॉर्मेंस रही है वो भी बताने वाला हूँ। साथ में दोस्तों कुछ एक्स्ट्रा प्लेयर्स रहने वाले हैं उनके रिकॉर्ड भी साथ में कवर करने वाले हैं। बाकी दोस्तों इस मैच की फाइनल अपडेट जो रहने वाली है वो मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर देने वाला हूँ। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। और दोस्तों इस यूट्यूब चैनल के ऊपर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों इस मैच की ड्रीम इलेवन टीम बनाने से पहले इनकी जो रिकॉर्ड रहे हैं पहले हम वो कवर कर लेते हैं, उसके बाद में ड्रीम इलेवन की टीमें क्रिएट करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों पिच रिपोर्ट के बारे में बात करें तो अजमान के अंदर दोस्तों ईडन गार्डन के अंदर ये मैच होने वाला है। अभी तक 15 मैच कंप्लीट हो चुके हैं, 16वां मैच चल रहा है। अभी तक दोस्तों 15 मैच में से पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 8 मैच विन किए हैं, चेज करने वाली टीम ने 7 मैच विन किए हुए हैं। वहीं पर दोस्तों पहले बैटिंग करने वाली टीम का एवरेज स्कोर 111 रन रहा है, चेज करने वाली टीम का 103 रन अभी तक रहा है। पेस वर्सेस स्पिन का अगर रिकॉर्ड देखें दोस्तों 15 मैच के अंदर 100 विकेट जो रहे हैं वो पेसर्स के नाम रहे हैं, स्पिनर्स के नाम 15 मैच के अंदर मात्र 45 विकेट ही अभी तक रहे हैं। अजमान हीरोज की दोस्तों लास्ट मैच की जो प्लेइंग इलेवन रही थी उसके हिसाब से अगर रिकॉर्ड देखें दोस्तों तो लास्ट 6 में से 3 मैच जो रहे हैं वो अजमान हीरोज ने विन किए हुए हैं। लेकिन दोस्तों सामने दोनों की जो स्क्वाड रहने वाली है उनको अगर कंपेयर करें तो अजमान हीरोज थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग स्क्वाड रहने वाला है। खाली साहब दोस्तों ओपनिंग कर रहे हैं रिसेंटली, लास्ट दोनों तीनों मैच के अंदर दोस्तों इस सीरीज के अंदर अच्छी इनकी फॉर्म दिख रही है, क्योंकि दोस्तों लास्ट मैच के 4 रन बना के जल्दी आउट जरूर हुए थे, उससे पहले 47 और 71 रन की दो पारियां खेल चुके हैं। 46 मैच के अंदर 655 रन टोटल इनके नाम रहे हैं। अदनान मुल्क दोस्तों ये ओपनर जरूर रहे हैं लेकिन दोस्तों जल्दी ही आउट हो रहे हैं, अभी तक इतना अच्छा रिकॉर्ड भी नहीं रहा है टी टेन के अंदर। 7 मैच के अंदर मात्र 66 रन ही बना पाए हैं। राहुल चोपड़ा दोस्तों ये काफ़ी अच्छी ऑप्शन रहने वाली है, 40 प्लस की एवरेज रहती है इनकी टी टेन के अंदर। ज़्यादातर मैचेज के अंदर नोट आउट ही रहे हैं, 33 मैचेज के अंदर 861 रन अभी तक बना चुके हैं। लास्ट मैच के अंदर 39 रन बनाए थे, सेकंड लास्ट मैच के अंदर 28 रन की पारी खेली थी, नंबर 3 के ऊपर बैटिंग करने वाले हैं। मोहम्मद अजमल दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए काफ़ी अच्छी ऑप्शन रहने वाली है, क्योंकि नंबर 4 के ऊपर बैटिंग भी करेंगे, साथ में पूरे के पूरे 2 ओवर रिसेंटली कर रहे हैं। 18 मैच के अंदर 228 रन और 12 विकेट टोटल इनके नाम रहे हैं। लास्ट मैच के 27 रन बनाए थे, 2 विकेट भी निकाल गए थे। साथ में दोस्तों रिसेंटली जो अजमान टी टेन लीग खत्म हुई थी उसके अंदर भी इनकी जो रिकॉर्ड रहे दोस्तों वो भी शानदार रहे थे। एच कौशिक दोस्तों ये कभी कभार नंबर 3-4 के ऊपर भी आ जाते हैं, साथ में दोस्तों पार्ट टाइम बॉलिंग करके दे सकते हैं, रेगुलर बॉलिंग का कोई श्योरली नहीं रहने वाला, हो सकता है 1 ओवर कर देते हैं, वहाँ पे दोस्तों इनके ओवर भी कट हो सकते हैं, अगर महंगे साबित हुए तो इनके ओवर कट हो जाएंगे। अगर दोस्तों अच्छी बॉलिंग रही तो पूरे 2 ओवर डाल के दे सकते हैं। 14 मैच के अंदर 122 रन, 8 विकेट टोटल इनके नाम रहे हैं। लास्ट तीनों मैच के अंदर दोस्तों इन लास्ट मैच में विकेट नहीं मिला था, सेकंड और थर्ड लास्ट मैच के अंदर 2 और 3 विकेट इनके नाम रहे थे। नंबर 6 की बात करें दोस्तों लास्ट मैच के अंदर जीवन गंगाधरन खेले थे, फिलहाल दोस्तों ये हो सकता है इस मैच के अंदर ना खेले क्योंकि अभी बुखारी टी ट्वेंटी लीग का जो मैच चल रहा है उसके अंदर भी ये खेल रही हैं। 13 मैच के अंदर 183 रन, 11 विकेट टोटल इनके नाम रहे हैं। फराजुद्दीन दोस्तों ये भी वहाँ पर खेल रहे हैं तो ये भी हो सकता है इस मैच के अंदर अवेलेबल ना रहे, बाकी चांसेस रहेंगे कि हो सकता है खेल भी सकते हैं। 13 मैच के अंदर टोटल 12 विकेट इनके नाम रहे, लास्ट मैच कोई विकेट नहीं मिला था, सेकंड लास्ट मैच में 3 विकेट निकाले थे। हिसाब मुद्दे दोस्तों ना तो इनकी बैटिंग आती है, बॉलिंग इनसे करवाई नहीं जाती है। अंकुर सांगवान विकेट टेकर बॉलर रहेंगे, 18 मैच के अंदर 23 विकेट टोटल निकाल चुके हैं। लास्ट अगर तीनों मैच का इस सीरीज के अंदर रिकॉर्ड देखें दोस्तों हर मैच के अंदर विकेट निकाल रहे हैं, लास्ट दोनों मैच के अंदर 1-1 विकेट और फर्स्ट मैच के अंदर 3 विकेट इन्होंने निकाले थे। समीर चंदन की बात करें तो 33 मैच के अंदर 30 विकेट इनके नाम रहे हैं, लास्ट मैच के अंदर 2 विकेट ये भी निकाल गए थे। उस्मान वानी दोस्तों लास्ट मैच के विकेट नहीं निकाल पाए थे लेकिन दोस्तों इस लास्ट मैच को छोड़ने के बाद में दोस्तों हर मैच के अंदर इनके नाम विकेट रहता है। सामने थोड़ी सी वीक स्क्वाड रहेगी दोस्तों, बैटिंग यूनिट इतनी अच्छी नहीं रहने वाली, तो हो सकता है इस मैच के अंदर विकेट ये भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों कुछ एक्स्ट्रा प्लेयर्स की अगर रिकॉर्ड देखें दोस्तों तो यहाँ पे सागर कल्याण अच्छी ऑप्शन रहने वाली है, अगर खेलते हैं तो ओपनिंग करते हैं, साथ में दोस्तों रिकॉर्ड भी इनके अच्छे रहे, सेकंड लास्ट मैच के 46 रन की पारी खेली थी। फेजल बैग की बात करें दोस्तों ये भी वहाँ पे खेल रहे हैं तो हो सकता है ये भी अवेलेबल ना रहे। वहीं पर दोस्तों प्राइम हाइट ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें लास्ट 6 मैच से 2 मैच इन्होंने विन किए हुए हैं, 5 में लास्ट 6 में से 4 मैच ये हार चुके हैं। सागर आफरीदी दोस्तों रिसेंटली थोड़ी सी इनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेटर लग रही है, 9 मैच के अंदर 228 रन इनके नाम रहे, लास्ट मैच के अंदर 78 रन की पारी इन्होंने खेली थी। उसके अलावा दोस्तों रिसेंटली लास्ट मैच को हटाने के बाद में मात्र 23 रन इनका ये स्कोर अभी तक रहा है। राफिक जमान लास्ट मैच खेले नहीं थे, इनको यहाँ पर ड्रॉप कर देते हैं। मोहम्मद दाऊद दोस्तों ओपनिंग करने वाले हैं, 11 मैच के अंदर 235 रन इनके नाम रहे हैं। इस सीरीज के अंदर 27 रन इनका ये स्कोर अभी तक रहा है। साकिब खान दोस्तों ये काफ़ी अच्छी ऑप्शन रहने वाली है, 5 मैच के अंदर 105 रन बना चुके हैं, 4 मैच के अंदर बैटिंग आई है दोस्तों, 1 मैच के अंदर इनकी बैटिंग नहीं आई थी। लास्ट मैच के अंदर 21 रन बनाए थे, सेकंड लास्ट मैच के अंदर 31 रन की पारी इन्होंने खेली थी। काफ़ी अच्छी ऑप्शन रहेगी, कैप्टन वाइस कैप्टन भी आप इनको रख सकते हैं।
अमजद खान 15 मैच के अंदर 281 रन इनके नाम रहे हैं, लास्ट मैच के अंदर 21 रन बनाए थे, सेकंड लास्ट मैच के अंदर 39 और थर्ड लास्ट मैच के अंदर 31 रन की पारी खेली थी। बिलाल चीमा दोस्तों इनका काफ़ी खराब रिकॉर्ड रहा है टी10 के अंदर, बाकी बैटिंग भी दोस्तों नंबर 5-6 के ऊपर इनके आने वाले काफ़ी खराब ऑप्शन रहने वाली है। अफजल खान दोस्तों लास्ट मैच के दिन खेले थे, अभी तक 4 मैच खेल चुके हैं, मात्र 25 रन इनके नाम रहे, लास्ट मैच में बैटिंग नहीं आई थी। असमतुल्ला लास्ट मैच के दिन 12 मैच के अंदर अभी तक 16 विकेट टोटल निकाल चुके हैं, लास्ट मैच के दिन 4 विकेट निकाल गए थे। इरफानुल्ला 28 मैच के अंदर 31 विकेट टोटल इनके नाम रहे हैं, रिसेंटली अगर रिकॉर्ड देखें तो हर मैच के अंदर एक आधा विकेट ये निकाल लेते हैं। मेहरान शाह 3 मैच के अंदर 3 विकेट, लास्ट मैच में कोई विकेट नहीं मिला था। वहीं पर दोस्तों मोहम्मद अरशद 9 मैच के अंदर 5 विकेट टोटल इनके नाम रहे हैं। रियाज खाली दोस्तों स्पिनर ऑप्शन रहने वाले हैं, 18 मैच के अंदर 15 विकेट टोटल इनके नाम रहे, लास्ट मैच के अंदर 2 विकेट निकाले थे। अगर दोस्तों इनकी पावर प्ले के अंदर ये बॉलिंग करने वाले हैं, पहला ओवर करेंगे तो वहाँ पे दोस्तों अगर ये थोड़ी सी महंगी साबित रहे तो इनकी भी ओवर कट हो सकती है। यहाँ पे दोस्तों कुछ एक्स्ट्रा प्लेयर्स की अगर बात करें, रहमान गुल स्टार्टिंग के मैच के अंदर खेले थे, उसके बाद में इनको ड्रॉप किया गया था, 23 मैच के अंदर 447 रन। मोहम्मद नईम लास्ट मैच के अंदर ड्रॉप किए गए थे, सेकंड लास्ट मैच खेले थे, 14 मैच के अंदर 8 विकेट। अब्दुल्ला खान 11 मैच के अंदर 52 रन अभी तक इनके नाम रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों ड्रीम इलेवन टीम के अंदर अगर देखें विकेट कीपिंग के लिए 3 ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, राहुल चोपड़ा के साथ में दोस्तों आपको यहाँ पे मोहम्मद दाऊद मिल जाएंगे, खालिद साहब भी मिल जाएंगे, बिलाल चीमा दोस्तों नंबर 6 के ऊपर बैटिंग करने वाले हैं और दोस्तों रिकॉर्ड भी काफ़ी ख़राब अभी तक रहा है। दोस्तों यहाँ पे खालिद साहब और राहुल चोपड़ा अच्छी ऑप्शन रहने वाली है, मोहम्मद दाऊद दोस्तों यहाँ पे विकेट खो सकते हैं क्योंकि सामने भी अच्छी बॉलिंग रहने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पे प्राइम हाइट का विनिंग परसेंटेज थोड़ा सा यहाँ पे कम रहने वाला है। बैटिंग की बात करें दोस्तों सागर अफरीदी अच्छी ऑप्शन यहाँ पे रहने वाली है, लास्ट मैच के अंदर 50 लगाई थी, हो सकता है दोस्तों इस मैच के अंदर फ्लॉप भी हो सकते हैं क्योंकि दोस्तों इनका रिकॉर्ड लास्ट मैच के सामने स्क्वाड रही थी उनके सामने इनका अच्छा रहा था और दोस्तों इस मैच के अंदर बॉलिंग भी अच्छी रहने वाली है। अमजद खान रिसेंटली अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, हर मैच के अंदर स्कोर कर रहे हैं, लास्ट मैच के अंदर भी दोस्तों 20 प्लस की इनिंग्स खेली थी और थर्ड और सेकंड लास्ट मैच के अंदर भी इन्होंने 30 प्लस की 2 इनिंग खेल चुके हैं। यहाँ पे दोस्तों साजिब खान काफ़ी अच्छी ऑप्शन रहने वाली है, लास्ट दोनों मैच के अंदर अच्छी बैटिंग इन्होंने की है, लास्ट मैच के अंदर भी 21 रन बनाए थे, सेकंड लास्ट मैच के अंदर भी 30 प्लस की इनिंग्स इन्होंने खेली थी। यहाँ पे दोस्तों अदनान मुल्क काफ़ी ख़राब ऑप्शन रहने वाली है, रिकॉर्ड काफ़ी ख़राब रहा है, बाकी ओपनिंग करने वाला दोस्तों अगर आप रिस्की टीम बना रहे हो तो ग्रैंड लीग टीम के अंदर आप इनको रख सकते हैं। ऑलराउंडर्स की बात करें दोस्तों मैं यहाँ पे एक ही ऑलराउंडर्स को यहाँ पे पिक करने वाला हूँ जो कि रहने वाला दोस्तों मोहम्मद अजमल, नंबर 4 के ऊपर बैटिंग करेंगे, साथ में दोस्तों आपको 2 ओवर डाल के देने वाले हैं। जीवन गंगाधरन दोस्तों श्योरली नहीं है कि इस मैच के अंदर खेलेंगे या नहीं खेलेंगे क्योंकि अभी जो खाते T20 लीग का मैच चल रहा है उसके अंदर ये खेल रहे हैं। मोहम्मद अरशद को दोस्तों मैं यहाँ पे ड्रॉप रखने वाला हूँ। इनके अलावा दोस्तों अगर आप यहाँ पे दूसरे प्लेयर्स की अगर बात करें तो मैं यहाँ पे बॉलिंग डिपार्टमेंट से 5 बॉलर्स को यहाँ पे रखने वाला हूँ। अंकुर सामान इनके विकेट टेकर बॉलर रहेंगे, अजमान की तरफ से पूरे 2 ओवर इनके आने वाले हैं। प्राइम हाइट की तरफ से दोस्तों असमतुल्ला को यहाँ पे रखा हुआ है क्योंकि दोस्तों इनका रिकॉर्ड शानदार रहा है और लास्ट मैच के अंदर 4 विकेट भी निकाल गए थे। फर्स्ट मैच के अंदर जरूर थोड़े से महंगे साबित रहे थे लेकिन दोस्तों लास्ट मैच में 4 विकेट निकाले थे। यहाँ पे दोस्तों एम मानी को यहाँ पे रखा हुआ है, उस्मान मानी दोस्तों विकेट टेकर बॉलर रहेंगे, लास्ट मैच के अंदर विकेट नहीं मिला था, उसके अलावा दोस्तों हर मैच के अंदर विकेट निकाल रही हैं। यहाँ पे दोस्तों इरफानुल्ला की बात करें तो ये आपको पूरे पूरे 2 ओवर डाल के देने वाले हैं। रिसेंटली दोस्तों अगर रिकॉर्ड के हिसाब से देखें तो लास्ट मैच के अंदर भी विकेट निकाला था, सेकंड लास्ट मैच के अंदर भी इनके नाम विकेट रहे थे, हर मैच के अंदर दोस्तों मिनिमम एक आधा विकेट ये जरूर निकाल लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों पांचवें ऑप्शन की अगर बात करें दोस्तों मैंने यहाँ पे समीर चंद को यहाँ पे पिक किया क्योंकि दोस्तों ये अगर ये खेलते हैं तो पूरे 2 ओवर आपको डाल के देने वाले हैं। यहाँ पे दोस्तों अगर आप ये रिप्लेस करना चाहें तो आप रियाज खाली के साथ में भी रिप्लेस करवा सकते हैं, इरफानुल्ला को रिप्लेस करवा सकते हैं, असमतुल्ला को भी रिप्लेस करवा सकते हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए अगर यहाँ पे देखें दोस्तों तो मैंने यहाँ पे मोहम्मद अजमल को कैप्टन रखा हुआ है, वाइस कैप्टन दोस्तों एस खान को यहाँ पे रखा हुआ है। एस खान का रिकॉर्ड दोस्तों T20 के अंदर शानदार रहा था, 40 प्लस की एवरेज इनकी रहती है T20 के अंदर। दूसरे कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए अगर आप यहाँ पे देखें दोस्तों तो आप यहाँ पे राहुल चोपड़ा को ट्राई कर सकते हैं या फिर दोस्तों खालिद साहब थोड़ा सा रिस्की बन सकते हैं क्योंकि दोस्तों सामने भी अच्छी बॉलिंग रहने वाली है। इरफानुल्ला पहला ओवर डालने वाले हैं दोस्तों, तो खालिद साहब का रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं रहा है, सेकंड और थर्ड लास्ट मैच जरूर ये चले हैं लेकिन दोस्तों इनके अलावा इन्होंने तकरीबन 40 प्लस मैच खेल चुके हैं, मात्र 15 की एवरेज इनकी रहती है T10 के अंदर। दूसरे ऑप्शन के अंदर आप यहाँ पे दोस्तों अजमत खान को यहाँ पे ये कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए ट्राई कर सकते हैं, चारों के चारों अच्छी ऑप्शन रहने वाली है।